राम राम जी, आप सभी को राम राम मेरा। और अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू मॉडल का टाइमिंग के बारे में हम बता रहे हैं, उसकी टाइमिंग का लोकेशन मैं बता देता हूँ, टाइमिंग कैसे कैसे होती है, क्रैंक की टाइमिंग कैसे मिलानी है, केम की टाइमिंग कैसे मिलानी है। देखो केम की टाइमिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो कट दिया हुआ ना ऊपर में, एक केम के सिंगल केम में तीन कट दिया हुआ है, कहाँ पे रखोगे आप कंफ्यूजन है, तो उस चीज को ध्यान देना होगा कि हमें टाइमिंग कहाँ रखनी है। तो ये चीज बताइए, तो अभी नाइट है, हो सकता है नाइट में ही मैं अपलोड भी कर दूं, मैं तो आजकल ज्यादा एडिटिंग कर ही नहीं रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन तो जानते ही है बहुत जरूरी होता है दबाना, कि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचे, दबाएंगे तो पहुंचेगा। थैंक यू, आइए शुरू करें। इसकी टाइमिंग कैसे करें, चलो इंजन उतरा रहता है तो उसकी टाइमिंग समझ में आ जाती है, पर इंजन गाड़ी के अंदर लग रहा हो तो टाइमिंग ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसकी टाइमिंग आप समझिए। सबसे पहले हमें क्रैंक सेट करना पड़ेगा, तो क्रैंक को टॉप पे कैसे रखेंगे, यदि चलो एक स्टार एलंकी का बोल्ट पीछे के वो लगा हुआ ब्लॉक में, लेकिन वो कभी कई बार खुलता नहीं है, बहुत टाइट होते हैं, स्लिप हो जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, हमें कैसे क्रैंक को टाइमिंग करें। तो सबसे पहले जो ना ये कार्टर जो होता है, क्रैंक का जो कार्टर देख रहे हैं, ये कार्टर को ऊपर रख लेना है, अपने सीधे ऊपर साइड में रख लेना है क्रैंक का कार्टर। और आप चाहे तो एक नंबर इंजेक्टर खोल के ये जो गेज है इसको डाल के आप टॉप पे कर सकते हैं, पिस्टन TDP पोजीशन पे आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एक नंबर टाइमिंग आएगा क्रैंक का। तो चलो क्रैंक की टाइमिंग तो ओके हो गई, अब बची दूसरी हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप क्रैंक से कनेक्ट है, हाई प्रेशर पंप का ये चैन, और हाई प्रेशर से कनेक्ट है ऊपर वाले केम का। चूँकि हाई प्रेशर पंप में कोई टाइमिंग नहीं होती है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे हम, सिर्फ क्रैंक को ऊपर टॉप पे कर लेंगे। अब उसके बाद से केम की टाइमिंग मिलानी होगी, तो ये केम की टाइमिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पीछे साइड में दोनों साइड में एक तो YKM पंप है और दूसरे साइड में एक टिकली लग रही है, तो उस दोनों को भी खोल सकते हैं आप, उसका कट सीधा ऐसे ही स्ट्रेट में होना चाहिए, और इधर वाली जो YKM पंप है उसमें 4x4 प्लस का कट है, तो प्लस में जो चौड़ा वाला कट है वो ऊपर नीचे होना चाहिए, और पतला वाला कट जो है ना सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा करके दोनों का एक साथ में होना चाहिए। चलो वहाँ कर लिया, उससे नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ आप यहाँ इसकी टाइमिंग देख सकते हैं, ये इसको स्ट्रेट ऊपर रखना होगा पूरा, ये कट देख लीजिए, इधर भी कट है और इधर भी कट है, तो ये है दोनों में, इधर भी कट है और इधर भी कट है, ये लेकिन ये बीच में दोनों कटों के बीच ये देखो कट है दोनों साइड में, और ऊपर टॉप पे भी एक कट है, इसको इस वाले जो बीच का कट है वो ऊपर के साइड में रखना होगा टॉप पे, दोनों सिचुएशन में दोनों गरारियों में ऐसा करना है, दोनों में कट है तो इसमें ऊपर वाला ही ऊपर रखना पड़ेगा, दोनों साइड के कट जो बड़े बड़े हैं, एक तो बड़ा ही कट है इधर बाहर साइड में, बड़ा कट है ये बड़ा कट, इसको बाहर साइड में, और इसमें भी जो बड़ा कट है इधर बड़ा कट है इसको भी बाहर साइड में रखना पड़े। ये हमारे केम की टाइमिंग, यदि इससे भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, रुक गया, आप क्या करना है, केम सेंसर को खोलना पड़ेगा आपको, और केम सेंसर ये लग रहा है, ये केम सेंसर को बाहर निकालो, और केम सेंसर के ठीक सामने देखो कट थोड़ा सा साइड में है, इसको प्रॉपरली साइड रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे में केम सेंसर से भी इसका कट मिला सकते हैं, उसमें आपको दिख रहा होगा, खैर यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, वो एक चाबी बना हुआ निशान दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ठीक सामने होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं हमारे स्कॉर्पियो की टाइमिंग का, और भैया कासिम अब ऐसा कर, तू टाइमिंग चैन लगा, चल टाइमिंग चैन लगा, और उसके बाद से भी मैं टाइमिंग चैन लगाने के बाद से भी चेक करवा देता हूँ एक बार, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टाइमिंग नहीं है, बस इसकी समझने की बात है कि आप कैसे इसको समझ पाए। और जो मैंने मार्का बताया वो मार्का बिल्कुल परफेक्ट है, उस मार्के से ही टाइमिंग चैन लगेगी, और ये टाइमिंग चैन की फिटिंग चल रही है, और भैया मैंने फाइनली
मैंने क्रैंक की टाइमिंग ये ओके कर दी है। तो क्रैंक की टाइमिंग आप यहाँ ऊपर काटर करके कर सकते हैं, और बाकी एक नंबर का जो है ये अपना इंजेक्टर निकाल के और इसमें गैस डाल के इसको टॉप पे कर लेंगे। ये टॉप पोजीशन पे आ गया, हमारा क्रैंक की टाइमिंग ओके हो गई। अब रही हाई प्रेशर पंप की, तो इसमें खैर कोई टाइमिंग है नहीं हाई प्रेशर पंप की, तो ये सिर्फ कनेक्ट है क्रैंक से। ओके, ये टाइमिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हाई प्रेशर पंप से केम की टाइमिंग के लिए, तो हमने केम की टाइमिंग भी ओके कर दी है। पीछे जो है इसके अंदर एक कट देख रहे हैं ना, एक कट बाहर की तरफ बाहर और एक कट इधर बाहर की तरफ, दो कट बाहर और एक बीच वाला जो कट है वो ऊपर ऊपर की तरफ रहेगा, और इसमें भी एक बाहर और एक इधर, दोनों कट राइट लेफ्ट करके ये स्केल मार के चेक कर लेना पड़ेगा। फाइनली ये क्रैंक की टाइम केम की टाइमिंग ओके हो गई। और यहाँ से आप वो कोई भी देख सकते हैं, ये केम सेंसर जो लग रहा है, केम सेंसर का कट बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये घुंडी तो साइड में होनी चाहिए, कट बीच में आना चाहिए, तो कट दिखाई नहीं देगा वैसे तो, यहाँ से कैमरे से नहीं दिख पा रहे हैं, लाओ ठीक है। पीछे का खोल लेंगे, तो पीछे का तो मैंने आपको बता ही दिया, पीछे का ऐसे सीधी में रहेगी इसके लिए, ये टिकली खोल के सीधी से टाइमिंग कर सकते थे। ये है टाइमिंग अपना स्कॉर्पियो का, अभी से स्टार्ट करते हैं। ये कम्प्लीटली फिटिंग हो गई है ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको। तो भैया स्टार्ट करिए जरा कासिम। एक कार में अब मिसिंग आ गई है, अब जब जो कि हमने इंजेक्टर खोले थे, इसकी वजह से मिसिंग आ गई है, तो इसका धुआं और चेक कर लेते हैं एक मिनट। रेस दियो जरा भाई कासिम, हाँ धुआं दे रही है, रेस दे जरा। अय अय चलो भाई इसका इंजेक्टर खोलो, इंजेक्टर में कोई लाइट तो नहीं आ रही है मीटर में, हाँ कौन सी लाइट आ रही है, चेक इंजन लाइट आ रही है। तो चूंकि इसका इंजेक्टर चोक हो चुका है, तो अब इंजेक्टर करवाऊंगे, बाकी टाइमिंग की तरफ से तो गाड़ी ओके है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है ओके, हमारी टाइमिंग तो बिल्कुल ओके है, इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। तो यही था इंजेक्टर का टोटल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ओके। स्कॉर्पियो है मुख्य।